दोस्तों, आपका एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में के माध्यम से आपको आज मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी का इंस्टॉलेशन करना बता रहा हूँ। और इसमें जो जानकारी है वो जानकारी मैं दूंगा। इसमें इसके साथ केबल और कॉपर ट्यूब पाइप नहीं आता है, और इसके लिए मार्केट से परचेस करना पड़ता है कस्टमर को। और अब इंस्टॉलेशन कैसे होगा, ये इंस्टॉलेशन की हम पूरी इसमें जानकारी देंगे। इसमें केबल जो लगता है फोर कोर का लगता है, और फोर इस जगह पर एसी अभी लगेगा, और हम डोर के सेंटर में इसको लगाएंगे। और पावर प्लग जो पॉइंट लगा हुआ है वो बीच में आ रहा है, उसको अपन हटा देंगे। और इसका जो आउटर सप्लाई रहता है दोस्तों, और फोर कोर का केबल लगता है इसमें। ये हमारा मित्सुबिशी का एसी है, 1.6 का हैवी ड्यूटी है। अब हमारा टेक्नीशियन यहाँ लेवल लेगा, और लेवल लेने के बाद लेवल कैसे लिए जाते हैं, स्पीड लेवल से करते हैं, और ये चीज़ मैं बताऊंगा। अभी सेंटर निकाल रहे हैं, डोर का सेंटर निकालने के बाद अपन स्पीड लेवल से वॉल माउंटिंग, इसका इंडोर का ब्रैकेट है उसको लगाएंगे। और उसके बाद वहाँ से छेद होगा, और छेद हो गया उसकी पाइपिंग, और उसकी वायरिंग फोर कोर का है तो फोर कोर का ही केबल लगाना है। और आउटडोर सप्लाई हमारा जाएगा थ्री कोर का जाएगा दोस्तों। इंडोर यूनिट लगाने से पहले हम पाइप को मोड़ देते हैं और अंदर से हटा उसका। फिर अभी हम यहाँ पर से जगह से टेपला लगाएंगे, और उसके बाद रूम का जहाँ पर लगा रहे हो उस जगह को, कहीं भी आप लोग जाते हो दोस्तों तो उसको कवर करिए, क्योंकि रूम में डस्ट नहीं होना चाहिए, और जितना अच्छे से सफाई से काम करना है। तो अभी हम डोर को अपन क्या कर रहे हैं, चादर से कवर कर रहे हैं। और चादर से कवर करने के बाद अपन एसी का वॉल माउंटिंग ब्रैकेट को लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम इंडोर यूनिट को हैंगिंग करेंगे दोस्तों। तो ये कैसे छेद करना है, और कैसे पाइपिंग करना है, और वायरिंग इसका फोर कोर का रहता है। कई टेक्नीशियन भाई लोग, क्या मैं हर किसी को ये देखता हूँ कि थ्री कोर का लगा के और चले जाता है। थ्री कोर का कभी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि टेप पर लगाने के बाद वो अपन जो नट है फ्लेयर नट को वापस उसी में थोड़ा सा लगा देंगे, और इसमें भी लगाएंगे। और जब भी हम काम करते हैं दोस्तों तो अच्छे से काम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले हिटाची का बताया था, आज मैं मित्सुबिशी का हैवी ड्यूटी का बता रहा हूँ। और इसमें जो बारीकियाँ जो टेक्नीशियन भाई लोग गलती करते हैं, वो गलतियों को मैं बताऊँगा, ताकि आप लोग देखें और अच्छे से समझ सकें, और ऐसा गलती ना करें दोस्तों। तो अभी हम मेन जो जानकारी है यही है कि थ्री कोर का केबल लगा देते हैं, जबकि थ्री कोर का केबल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल फेस और अर्थिंग होता है, अर्थिंग को हटा देते हैं। अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हमारा स्पीड लेवल से इसको सेंटर निकालिए, स्पीड लेवल से अब हम इसको सेंटर निकालें, उसका लेवल मिला रहे हैं। लेवल मिलाने के बाद सेंटर में ब्रैकेट को स्पीड लेवल के द्वारा आप लगाइए, कभी भी मेजरमेंट के थ्रू नहीं होता है, स्पीड लेवल के हिसाब से लेवल में ही लगाएंगे तो अपना सही रहेगा, उससे ड्रेन वाटर का जो समस्या नहीं होता है दोस्तों, और लुक भी बहुत अच्छा आता है। ये हम स्पीड लेवल से ले रहे हैं, लेवल लेके काम कर रहे हैं, और लेवल लेके ही काम करना चाहिए। हम सीलिंग से 7 इंच नीचे लिए हैं, कंपनी 1 फीट बोलती है, क्योंकि हमारे पास नीचे जगह नहीं है, इस कारण हम सीलिंग से 7 इंच छोड़ के हम ब्रैकेट वॉल माउंटिंग का लगा रहे हैं। और देखिए, हमारा लेवल में ऐसा बबल आना चाहिए, और सेंटर हो गया, देखिए ऐसे सेंटर में लेके, और इसके बाद आप लोग इसको इंस्टॉल करिए। मार्किंग हम अब कर लिए हैं, अब ड्रिल से हम इसकी ड्रिलिंग करेंगे, और इसके बाद फिर हम इसमें स्क्रू लगा के, पीवीसी लगा के स्क्रू से हम टाइट करेंगे। इसमें खीला नहीं मारेंगे दोस्तों, कई लोग हम कई साइड में जाते हैं खीला लगा देते हैं, खीला लगाने का नियम नहीं। जब स्क्रू है तो आप हेमा ड्रिल से उसमें छेद करके यू पीवीसी ग्रिप लगा के उसके बाद फिर आप स्क्रू से टाइट करिए। अब ड्रिल हो चुका है, अब हम यू पी वी सी ग्रिप लगा रहे हैं, और ग्रिप लगाइए, क्योंकि ग्रिप यू पी वी सी का ही लगाइए, और लकड़ी वकड़ी का मत बना के डालिए, क्योंकि मॉइस्चर होता है और गर्मी में वो सूख जाता है, फिर वो निकल जाता है और गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए यू पी वी सी ग्रिप का इस्तेमाल करें, और अच्छे से उसको टाइट करें, और उसको ठोके भी ना, इसको हैमर से हल्का हल्का मार लें, और उसके बाद फिर हम उसमें, मैं आपको पूरी बारीकियों को बताता हूँ, मेरा वीडियो लंबा जरूर रहता है, पर मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझाऊँ, अच्छे से बता सकूँ। तो
दोस्तों इस प्रकार से आप काम करिए, और इसमें अब स्क्रू को फिर से स्पिरिट लेवल लेके उसको मेज़र करने के बाद उसको टाइट करना है, उसको हैमर से नहीं मारना है। सब स्क्रू को हाथ से लगा लीजिए, उसके बाद फिर उसको स्पिरिट लेवल से लेवल एक बार और चेक करेंगे और स्क्रू ड्राइवर से सबको टाइट करेंगे। दोस्तों ये स्पीड लेवल अब हम लगाएंगे और इसके अभी स्क्रू से टाइट कर रहे हैं। अभी हल्का हल्का टाइट करने के बाद लेवल से एक बार चेक करेंगे और स्क्रू ड्राइवर से ही टाइट करना है, उसको हमर से ठोकना नहीं है, नहीं तो उसकी पकड़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इंडोर का यूनिट 20 kg का रहता है, हैवी ड्यूटी है, अच्छा हैवी रहता है, लेंथ होता है 59 इंच का लेंथ रहता है इसका। ये देखिए दोस्तों एकदम लेवल में है और ऐसी सेंटर लेवल होना बहुत ज़रूरी है, तो इससे क्या आपका लुक भी बहुत अच्छा रहेगा और पानी की समस्या नहीं आएगी दोस्तों। इसलिए हम हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है, क्योंकि इंस्टॉलेशन बहुत से लोग सही नहीं करते और क्या सीलिंग को मेज़रमेंट करके और लगा देते हैं, तो लेवल में बहुत कम होता है, इसलिए हम कहते हैं कि सही जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। और अब देखिए हर स्क्रू को हमने स्क्रू ड्राइवर के थ्रू ही टाइट किया है और किसी को भी हमर नहीं माना। हमने बहुत साइट में जब रिमोल करने गए या कोई समस्या आती है, हम जब देखते हैं कि टेक्नीशियन वाले लोग खिला मार देते हैं और लेवल में नहीं रहता, पानी की समस्या आती है, तो ये सब चीज़ें के कारण मेरा मकसद है वीडियो बनाने का और मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम होल कर रहे हैं, होल के लिए अपन भी मेज़रमेंट कर रहे हैं और ब्रेकेट के जो आउटसाइड से 1 इंच लेके अपने को होल करना है, और होल करने के लिए अपने को लाइन मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और हो सके तो स्पीड लेवल से ही काम करिए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे काम करने में आसानी जाता है, बड़े थोड़ा समय लगता है पर फिनिशिंग से काम होता है दोस्तों। अब यहाँ हम होल करेंगे, मार्किंग थोड़ा सा ऊपर है गया है पर अपन नीचे करेंगे इसको। दोस्तों देखिए इंडोर यूनिट कितना अच्छे बेहतरीन तरीके से हमने इसको इंस्टॉल किया है और इसमें कोई वायर नहीं दिख रहा है, ना कोई सिस्टम दिख रहा है, और देखिए जस्ट ये विंडो है, विंडो के ऊपर हमने लगाया है। इसमें काफ़ी थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि 14 इंच की दीवार थी और ये पूरा बीम था दोस्तों, तो बीम को हमने इसको पूरा ड्रिलिंग करके इसको काट के होल बनाया। आज रात हो चुका है, अब कल हम इसका आउटडोर यूनिट को हम ब्रैकेट में लगाने जा रहे हैं, तो ब्रैकेट लगाने से पहले आप इस होल को आपसी में मैच कर लें, क्योंकि ब्रैकेट लगाने के समय अभी हमको दिख रहा है 20 इंच की दूरी में हम स्पीड लेवल रखा हुआ है, बड़ा वाला स्पीड लेवल है, इसके द्वारा ब्रैकेट से अब हम लगाने जा रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ब्रैकेट से कैसे मेजरमेंट होता है और ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम आउटडोर को यहाँ पर लगाएंगे, करीबन 9-10 फीट करीबन हाइट में अपन लगा रहे हैं इसको, और अभी हम मेज़रमेंट करेंगे स्पीड लेवल से ब्रैकेट कैसे लगाते हैं, ये चीज़ हम अभी आपको इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं। स्पीड लेवल से लाइन लेंगे और लाइन को खींचेंगे और उसके बाद अब ब्रैकेट का हमने अभी जो नाप लिया था 20 इंच में हम नाम करेंगे और ब्रैकेट का एकदम स्पीड लेवल के द्वारा लगाएंगे, तो तिरछा नहीं दिखता, बैंड नहीं दिखता। अब हमारा टेक्नीशियन इसको बबल को मिला रहा है और बबल को मिलाने के बाद देखिए बबल को मिलाने के बाद ये सेंटर आ गया है, इस सेंटर लाइन खींच दिए। लाइन खींचने के बाद उधर का 20 इंच नापेंगे, सेम ऐसे खींचेंगे और उसके बाद फिर ड्रिल करेंगे, ड्रिल करने के बाद फिर कैसे फासल को लगाते हैं बोल्ट को, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब ये मेज़रमेंट ले रही है, 20 इंच है, ऐसे स्पीड लेवल से फिर खींचेंगे। ये देखिए दोस्तों बबल एकदम सेंटर में आ गया, अब लाइन खींच देंगे, इसको स्पिरिट लेवल बोलते हैं, स्पिरिट लेवल से काम करेंगे। अब देखिए लाइनिंग हो गया है, हमारा मार्किंग हो गया है, अब मार्किंग होने के बाद अब हम ब्रैकेट को लगाएंगे और उसका लगाने के बाद उसको ड्रिल करेंगे। एक साइड का लेवल मिल गया और दूसरा का अपन लेवल मिला लिए हैं, और ब्रैकेट जहाँ होल होना है उस होल को भी अभी मार्किंग कर रहा, उसके बाद ड्रिल से अपन छेद करेंगे और उसके बाद फिर बोल्ट को अपन इसमें टाइट करेंगे। तो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसको कैसे बोल्ट को लगाना है और कैसे टाइट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई ब्रैकेट सही नहीं लगाता दोस्तों। और इसमें क्या करते हैं जितने भी टेक्नीशियन होते हैं, इसमें वो खीला मार देते हैं, खीला मारना
सही नहीं दोस्तों, क्योंकि फासा बोल्ड आते हैं, जेबरा बोल्ड भी आता है पिन वाला, उसको जेबरा बोल्ड बोलते हैं, और जो बोल्ट वाला जो अंदर टाइट होता है उसको एंकर बोल्ट बोलते हैं दोस्तों। तो हम इसमें एंकर बोल्ट से टाइट करेंगे, और अभी हमारा टेक्नीशियन उसको जहाँ जहाँ मार्किंग किया है उस बीट से, और 8 mm का एंकर बोल्ट है, वो एंकर बोल्ट को अभी लगाने जा रहे हैं। एक साइड हम 4 एंकर बोल्ट लगा रहे हैं इसमें 8 mm का, और उस साइड हम 3 लगाएंगे। तो क्योंकि हैवी ड्यूटी मित्सुबिशी है, क्योंकि काफ़ी हैवी मशीन है, इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा एक स्ट्रेंथन कर रहे हैं दोस्तों। इस टाइप का बोल्ट को लगाया जाता है, सब बोल्ट को निकालने के बाद इसको एंकर बोल्ट बोलते हैं, और ये 10 mm का है और 8 mm का है। तो हम दोनों मिक्स निकालेंगे, जो अपना कंपनी में दिया है जो ब्रैकेट में, वो 8 mm का, और हम एक्स्ट्रा इसमें 10 mm का लगा रहे हैं। तो इस प्रकार के सब में अपन ब्रैकेट में लगाएंगे, और खीला का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो खीला निकल जाता है, पकड़ नहीं आता है। अब बोल्ट लगाने के लिए ये तरीका इस प्रकार से लगाया जाता है, और तीन तीन और ज़्यादा होगा, हम जिस साइड कंप्रेसर है वेट ज़्यादा रहता है, हम 4 लगाएंगे वहाँ पर। ऐसे बोल्ट को हमर से मार देंगे, और उसके बाद फिर स्पैनर से इसको टाइट करेंगे, जिस प्रकार से हमारा टेक्नीशियन अब इसको हमर से कर दिया है। अब देखिए अच्छे से सब टाइट है, और इसको स्पैनर से हम टाइट करने जा रहे हैं, और उसी प्रकार उस साइड का भी करेंगे, उधर से भी करेंगे। अब यहाँ पर अपन जेबरा बोल्ट लगा देते हैं, इसको जो पिन वाला होता है उसको जेबरा बोल्ट बोलते हैं। और ये ब्रेकेट लगाने का ये प्रक्रिया है, इसी प्रकार से ब्रेकेट लगाया जाता है दोस्तों। देखिए ब्रैकेट को हमने अच्छे तरीके से लगा लिया है, और हमने 4 4 बोल्ट लगा के इसको अच्छे से टाइट किया है, ताकि हेवी ड्यूटी की मशीन है, और अच्छे से इसको लगाए हैं। और इसके बाद अब हम आउटर को बड़े सावधानी से अब चढ़ाएंगे, ऊपर से हम रस्सा फेंकेंगे, और नीचे से 2 हमारे पास बड़ी बड़ी स्टूल है घोड़ी, उसके थ्रू अपन अब चढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए हमने रस्सा के थ्रू इसको खींचा एक साइड से, और 2 हमारा टेक्नीशियंस को खींच के ब्रैकेट में हमने इसको अब लगा दिए। अब बच गया हमारा पाइपिंग, तो अब हम इसमें अब पाइपिंग करेंगे, और कैसे पाइपिंग होगा, मैंने कैसे ब्रैकेट के बारे में लगाया, अभी पाइपिंग है, वैक्यूम है, और बहुत कुछ है। ये ऊपर में है, ऊपर से हमारा टेक्ने रस्से के द्वारा खींचा है, एक सपोर्ट हो जाता है, सपोर्ट से क्या है हानि होने की संभावना कम हो जाती है। इस कारण से दोस्तों हमने पूरी सेफ्टी के साथ इसको काम किया। अब रस्सा को आप खोल रहे हैं, और ये ब्रैकेट में टाइट हो गया। अब हम स्पैनर से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। अब लास्ट पाइपिंग है, पाइपिंग व वैक्यूम, वैक्यूम के बाद फिर गैस डिस्चार्ज करेंगे, और हमारा ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसा जब ब्रैकेट में लग जाता है दोस्तों, तो इसको फिर हम स्पीड लेवल से एक बार और हम वेरिफिकेशन के लिए चेक करते हैं। अभी देखिए बबल एकदम सेंटर में है, और हमारा आउटडोर यूनिट बहुत अच्छे से लगा है। तो दोस्तों इस प्रकार से काम किया जाता है, और ऐसा ब्रैकेट को लगाया जाता है स्टैंड में। लोग टेक्नीशियन वाले लोग क्या करते हैं, खीला मार देते हैं। खीला मत मारिए, और हैवी ड्यूटी की मशीन है, इसको अच्छे से हम काम करें। और ये अंडरग्राउंड पूरा पाइपिंग हो रहा है, इसका झेरी हो चुका है, और मैं झेरी कैसे वो दिखा दूंगा, और पाइपिंग कैसे होगा ये भी बताऊंगा, और वैक्यूम अच्छे से करने के बाद हम आगे की प्रक्रिया आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए पाइप निकला हुआ है, और ये हमने इसमें पूरा ईटा कटिंग करवा दिए हैं, और हमारे इधर इसको झेरी बोलते हैं, झेरी हो गया है। अब इसमें लगभग 15 फीट पाइप लगेगा, और यहाँ छेद भी हो गया है, और जस्ट इसके पीछे में आउटर है। तो अब इसमें हम पाइपिंग करेंगे अच्छे से दोस्तों। देखिए हमने 1/4 को कर लिया है, और 5/8 को अपन फ्लैरी बना रहे हैं, फ्लेयर बना रहे हैं। और देखिए हमने क्या किया है, 4 कोर का केबल और 3 कोर का आउटर सप्लाई होता है, उसको हमने डाल दिया है, और 1/4 को भी सिंगल इंसुलेशन और 5/8 को भी सिंगल इंसुलेशन ही लगाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको जस्ट ऊपर दिखा रहा हूँ जो एसी लगा है, उसमें देखिए कैसे लगा है, एक ही इंसुलेशन में, देखिए दोस्तों एक ही इंसुलेशन में दोनों पाइप को डाल दिएगा। ये एकदम रॉन्ग है, ये बैड प्रैक्टिस है दोस्तों, ऐसे मत करिए। जैसे हम बता रहे हैं उसी प्रकार का इंस्टॉलेशन करिए। तो 1/4 का इंसुलेशन डालिए, और 5/8 का या हाफ करेगा उसका अलग सेपरेट डालिए, और जैसा कंपनी देता है वैसे ही काम करिए दोस्तों। तो हमने इसी प्रकार से इसकी पूरी वायरिंग हो चुकी है, अब लास्ट प्रक्रिया हमारा चल रहा है, और इसके बाद फिर हम अब फ्लेयर बनने के बाद वैक्यूम अप करेंगे, और अंदर का थोड़ा सा बचा हुआ है उसको ट्रेस करके फिर उसके बाद इंस्टॉल कर देंगे।
दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस प्रकार से मित्सुबिशी एसी का इंस्टॉलेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत महंगी और अच्छी एसी है, और इसमें अगर हम बैड प्रैक्टिस करते हैं तो इसका कूलिंग में काफ़ी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए हम जैसा बताएं वैसे आप इंस्टॉलेशन करेंगे, और बेंडर का उपयोग करिए, सबसे बेस्ट होता है, और अच्छा वैक्यूम पम्प, और हमने आपको ये भी बताया कि ब्रैकेट कैसे लगाया जाता है, और ये सब चीज़ हमारी प्रक्रिया हो चुकी है। अब लास्ट बचा है वैक्यूम। वैक्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिना वैक्यूम के कभी भी गैस को डिस्चार्ज ना करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करिए दोस्तों, और आगे का प्रक्रिया है जो आपको मैं थोड़ा देर में वो भी दिखाऊंगा। अब हमारा वैक्यूम प्रोसेस का लास्ट चरण है, हमने वैक्यूम पम्प लगा दिया है, 3/8 का चार्जिंग पाइप है, और हमने मीटर नहीं लगाया है, और अभी इसके बाद हम वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम के बाद देखिए पाइपिंग कितना सुंदर तरीके से किया है, सफाई होना बहुत ज़रूरी है, सफाई रहेगा तब काम में क्वालिटी रहती है दोस्तों। अब वैक्यूम पम्प से अब वैक्यूम हो रहा है, करीब 15-20 मिनट हम वैक्यूम करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें से गैस डिस्चार्ज करेंगे। तो गैस डिस्चार्ज कहाँ से करेंगे ये सब जानते हैं जो बिगनर, उसके लिए बता रहे हैं। देखिए ये जो अपना 5/8 में जो डेड नट लगा हुआ है, वहाँ से अपन 1/4 को खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे, फिर 5/8 का जो अपना फ्लेयर नट है वहाँ पर अपन ड्राई नाइट्रोजन गैस को उपयोग करें, और अगर साइड में तो बनता नहीं है, और हम लोग यहाँ ड्राई नाइट्रोजन गैस को यूज़ नहीं करेंगे, और हम जैसे गैस को छोड़ेंगे, गैस छोड़ने के बाद अपन झाग बना लेंगे, झाग से स्पंज पानी से यहाँ पर पूरा चेक करेंगे, और अंदर भी चेक करेंगे। अब अंदर कैसे हमारी पाइपिंग हुई वो भी मैं आप लोग को अब दिखाना हूँ। हमारा वैक्यूम हो रहा है, लास्ट प्रक्रिया है, और जिस प्रकार से ये ईटा की कटिंग करके पूरा ये केबल हमने कर दिया है, और पाइपिंग देखिए अब सिर्फ केबल डाल रहे हैं, अब केबल टाइस को टाइट कर देंगे, और ये पूरी पाइपिंग कंप्लीट हमारी हो गई है, और देखिए कितने सुंदर तरीके से हमने बेंडर से पूरा काम किया। अब ये ड्रेन का पानी का है, ड्रेन का पानी कल प्लम्बर आके यहाँ से काट के UPVC पाइप डाल के ये ड्रेनेज पानी को बाहर कर देगा। तो सो दोस्तों इस प्रकार से इंस्टॉलेशन करते हैं, और मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि ये महंगी मशीन है, महंगी मशीन के लोग बाईपास ज़्यादा काम करते हैं, बाईपास मतलब 5/8 की जगह हाफ डाल देते हैं, गलत प्रैक्टिस करते हैं, और एक ही इंसुलेशन में दोनों पाइप को डालते हैं, ये रॉन्ग है, ऐसे कभी नहीं कीजिएगा। सिंगल 1/4 में 1 इंसुलेशन डालेंगे, और 5/8 का पाइप है तो 5/8 का ही पाइप डालें। अब एसी करने स्टार्ट करने का अब हमारा समय आ गया है, और अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि अब इंस्टॉल हमारा हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे। कभी समय मिलेगा तो इसका पूरा हम डेमो देंगे, रिमोट का फंक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है, और कौन से मौसम में हमको चलाना चाहिए, और वो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो सो दोस्तों इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया पूरी जानकारी मैंने दी है, और एक बार फिर से बोलता हूँ, 5/8 का पाइप है तो 5/8 का ही लगाएं, आपका पाइप नहीं लगाएंगे जैसे लोग करते हैं मार्केट में, फ्लेयर नट ले लेते हैं 5/8 × 1/2 का और लगा के करते हैं, तो गलत काम मत करिए दोस्तों। और अब हमारा इंस्टॉल हो गया, अब हम अपना वीडियो को समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, और आगे मैं बहुत जल्द दूसरा वीडियो आपके बीच में लाने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।